प्रेमचंद साहित्य संस्थान गोरखपुर द्वारा मंगलवार को मुंशी प्रेमचंद पार्क में प्रेम जयंती की पूर्व संध्या पर इप्टा गोरखपुर द्वारा नाट्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान कलाकारों ने प्रेमचंद द्वारा लिखित चमत्कार कहानी के नाटक के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान कार्यक्रम को देख रहे दर्शकों ने कलाकारों के द्वारा निभाए गए किरदारों को खूब सराहा। इस दौरान कलाकारों में शिशिर बोस, संजय प्रकाश सत्यम, सोनी निगम, अभिषेक शहनवास, प्रियंका अग्रहरी, एके तिवारी, विनोद चंद्रेश, रीना श्रीवास्तव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। परिधान एवं मंच परिकल्पना सीमा मुमताज ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर मुमताज खान ने कहा, ये नौकरों का काम होगा, उन्हीं की तरह मत कहिए। अरे नहीं, अरे उनका वो छुटकू, ये उसी की हरकत होगी, उसी ने किया होगा। मुझे तो लगता है उनके तीनों नौकर काफी पुराने हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। ये नीयत बदलते समय लगता है क्या? अरे मौका मिला अब बस लेने के। बेचारा महीनों इन जेवरों के लिए दौड़ा, एक एक चीजें अपने सामने जचवाई और चोर दाढ़ी चारों ने उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दी। हाँ चंपा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं जाता हूँ, मैं ठाकुर साहब के जाता हूँ, है ना? अरे ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब, अरे ये क्या अनर्थ हो गया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चंपा ने मुझको अभी बताया कि चोर आए थे, चोरी कर गए। हाँ प्रकाश बाबू, न कोई सेन कटा, न कोई ताला टूटा, किसी दरवाजे की चूल तक नहीं उतरी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि चोर आया तो किधर से आया। पैसा लूट गई भैया, खड़ा है, अब जाने क्या होगा भगवान। तुमने इतनी दौड़ की थी, इतना चादर की ये सब चीजें आई थी, ना जाने किस मनहूस साइज से लगन आई थी। साहब ये जरूर ये नौकरों की करामात है। हाँ अब बाहर। नहीं नहीं, नौकरों में ऐसा कोई नहीं है। 10,000 रुपए यूं ही इधर उधर पड़े रहते हैं, भगवान अब क्या होगा? मत रो, तुम क्यों रो रही हो? मत रो। आप इसके लिए ठाकुर साहब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसे बैठे कैसे रह सकते हैं? अब तुम भी क्या बात करती हो? अरे आदमी का मन बदलते ही थी तो क्या वो चोरी नहीं करेगा? ये कोई नहीं कर सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकरों की तलाशी कराऊंगा, कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो सब कबूल देगा, समझे? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। ठाकुर साहब, मेरी तो ये राय है कि देखिए पुलिस का चक्कर छोड़ दीजिए, ये कि पुलिस कुछ करती है नहीं, अब माल थोड़ी बरामद करेगी, और तो और इन नौकरों को अलग से मारपीट करेगी इनके साथ। अरे प्रकाश बाबू, तुम भी क्या बच्चों से बात करते हो? ठाकुर साहब, अब सुनिए, भले ठाकुर साहब पुलिस ना अलग से कुछ नजराना भी मांगती है, और अगर आप नहीं देंगे तो दूसरा स्वांग खड़ा कर देंगे। अरे तुम भी क्या बच्चों से बात बार बार करते हो प्रकाश बाबू? तो लेकिन ठाकुर साहब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आखिर कैसे पता चलेगा? अरे भाई, यहाँ कोई खुफिया पुलिस भी तो नहीं है कि जो अपने आप पता लगा ले। नौकरों पर मुझे पूरा भरोसा है भैया, किसी का नाम निकल के आए तो भी मुझे संदेह ही रहेगा। ये काम किसी बाहर वाले का देख लेते हैं, शायद कोई निशान मिल जाए। दरवाजा तो खुला छोड़ नहीं दिया था आपने। दरवाजा तो ठाकुर साहब 10 बजे बंद कर दिया। आपके कमरे से ही तरफ जा रहा है, देखो सीधे प्रकाश बाबू के कमरे की तरफ जा रहा है। अरे मैंने कल जो चूरा छिड़काया था
उस चीनों पे सारी जिम्मेदारी मेरी है। अरे मैंने कब ऐसा कहा पंडाल बाबू, हम आपको दोष तो नहीं दे रहे हैं। नहीं ठकराएंगे नहीं माता जी, अब ये तो एकदम सीधा सीधा आरोप मेरे ऊपर लग गया ठाकुर साहब, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अरे मैंने कुछ नहीं कहा प्रकाश बाबू आपको, मैंने चोरी के लिए आपको नहीं कहा। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं आज ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे क्या बात करते हो प्रकाश बाबू। नहीं ठाकुर साहब, ये इस चोरी का सारा जिम्मा मेरा है, मुझे लग रहा है ऐसा, मैं आज ही ये घर छोड़ के जाऊंगा। मैं चंपा को लेके चला जाऊंगा। चले जावे प्रकाश बाबू, तो ये घर और फाड़ खाएगा ना। नहीं माता जी, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना, मैं इस घर में अब नहीं रह सकता। नहीं प्रकाश बाबू। नहीं नहीं ठाकुर साहब। अरे प्रकाश बाबू, मैं जा रहा हूँ प्रकाश बाबू, कहाँ जा रहा हूँ। इतना मना करने के बावजूद चला ही गया। क्या बात है, चोर उधर से आया, यही बात उसे लग गए। ठीक कह रही हो तुम, कहीं चोर को पा जाए तो कच्चा ही खा जाए, मार ही डाले। एक है ना, एक ना एक दिन माल बरामद करेगा ही, लेकिन अब वो इस घर में हरगिज नहीं रहेगा, चाहे कितना भी समझा लो। ठीक कह रही हो तुम वीरू की माँ, ठीक कह रही हो। मैं सोचता हूँ कि 20 रुपये महीने किराए के अब उन्हें और दे दिया करूँगा, समझी। हम किराया क्यों दें, वो तो आप ही घर छोड़ के जा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कहते। अरे भाई कितना भला आदमी है वो, अरे 20 रुपये में उसका गुजारा भी तो नहीं होगा। मैं तो समझती हूँ वो किराया नहीं लेंगे। डॉक्टर मुमताज खान, देखिए आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती की पूर्व संध्या है और इप्टा गोरखपुर की इकाई उनकी एक कहानी चमत्कार का मंचन यहाँ कर रही है। पिछले 15-16 वर्षों से हम लोग लगातार यहाँ पर इप्टा जी के प्रेमचंद जी की जयंती पर इप्टा द्वारा उनकी कहानियों का नाट्य रूपांतरण करके जनता के बीच में प्रस्तुत करते रहते। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग प्रेमचंद जी के बारे में ठीक से जानें, उनके साहित्य को पढ़ें और आज की युवा पीढ़ी को कम से कम इस बात की हमें उम्मीद है कि उन्हें ये सब साहित्य उन तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसी क्रम में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित है।